आज हम पढ़ेंगे चौक इनपुट के बारे में, जिसे एलसी फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। रेक्टिफायर के आउटपुट पे हमेशा ऐसे कुछ रिपेल मिलते हैं जिसमें एसी और डीसी दोनों ही करंट मिक्स हुए होते हैं। अगर ये रिपेल को हमें निकालना है, तब रेक्टिफायर के आउटपुट पे हम एलसी फिल्टर का यूज करेंगे, जिसके कारण ये रिपेल निकल जाएंगे और करीब करीब हमें कॉन्स्टेंट करंट मिल जाएगा। अब ये रेक्टिफायर के बाहर एसी और डीसी करंट निकलते हैं, ये एसी और डीसी करंट इंडक्टर में से पास होंगे, तो ये जो इंडक्टर है वो ये एसी करंट को थोड़ी बहुत मात्रा में फिल्टर कर देगा, यानी कि यहां पे बहुत ही कम मात्रा में हमें एसी करंट मिलने वाला है। लेकिन ये जो इंडक्टर है वो डीसी करंट को थोड़ा सा भी रेजिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि डीसी करंट के लिए जो इंडक्टेंस है इसका वो जीरो है, यानी डीसी करंट पास हो जाएगा। अब ये जंक्शन पे ये जो कैपेसिटर है वो सिर्फ और सिर्फ एसी करंट को पूरा लेने वाला है, ये कैपेसिटर डीसी करंट को लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, जिसे हम इंडक्टेंस बोलते हैं, यानी कि डीसी जो करंट है, प्योर डीसी करंट, वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगा।